अनहरी प्यार बाटे कल युग के साला, मरद के क्रिया तो सबके हुखाना। जमना हाथे कराई ला बिया वही से सराध कहते। कोई को दुगो महल जरूरी है मैडम। बिहार के उन गानों का जिन गानों ने बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं लेकिन बिहार की बदनामी दोनों हाथ खोल के किया है। दिल, गुर्दा, किडनी, बलिया, छोटिया, सब सब की सब शरीर का सारा अंग मिला के बिहार का बदनामी ही बदनामी किया है। कबीर दास के वो दोहा है जो बिहार के गायकों में परफेक्ट बैठता है। जो लोग बोलते हैं ना हम नहीं ऊ, हम नहीं ऊ, हम नहीं ऊ, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सबके एक। तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। एक वो गाना है चोली में बोले ला चिड़ैया और साया में सियार बोले ला। चोलिया में बोले चिड़ैया। इस गाने को अकेला अशोक ने गाया है। तुम अकेला है, दुकेला हो, तीन केला हो, चार केला हो, तुम लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग गांडू हो और गांडू गाना गाते हो। हम बोले थे बिहार के गायक होने का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। इसका जीता जागता सबूत है चोली में चिड़ैया बोले और साया में सियार बोले। बिहार का गायक होना बहुत आसान है, वेरी सिंपल। चोली उठाओ, उसमें कबूतर फड़फड़ा दो, चिड़ैया बुलवा दो, तेलचट्टा घुसवा दो, चींटी घुसवा दो, जितना छोट मोट जानवर है सब चोली में चल जाएगा। उसके बाद लहंगा और साया पे आ जाओ, उसमें सियार बुलवा दो, गिदर घुसवा दो, फिर लहंगा लसलस करवा दो, लहंगा में त्रिभुज पुजवा दो, लहंगा में ताजमहल बनवा दो, लहंगा में एयरपोर्ट खुलवा दो। तुम लोग को लगता है इसके बाद भी चोली में कुछ जगह बच गया है ना, तो चिड़िया घर खुलवा, मछली घर खुलवा, सांप घर खुलवा, उसमें प्रदर्शनी लगवाओ। इसके बाद तुम लोग को लगता है कि साया में भी जगह बचा हुआ है तो साइंस एग्जीबिशन करवाओ, उसमें ध्रुव तारा खोजवाओ, चांद उगवाओ, सूरज चमकवाओ। उसके बाद तुम हो जाओगे गायक, तुम्हारा व्यू जाएगा लाखों में, तुम स्टार हो जाओगे। उसके बाद एक काम करना, या तो खेसारी भैया या तो पवन भैया एक वो साइड पकड़ लेना और दिन भर प्रभु 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 करते रहना, आपका जिंदगी पार हो जाएगा। एक वो गाना है लाल बाबू के, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक वो दुगो माल जरूरी है मैडम, मैडम। अब बिहार में बस यही देखना बचा था। आज से 10 साल 12 साल पीछे जाओ ना तो मैडम अफसर को देख के पैंटे में मुताई हो जाता था, गाल पुक 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 करता था, यादों चीजों आदमी भूल जाता था। आजकल देख लो मैडम की कसम खा के मैडमे को बता रहा है कि एक दो वो जरूरी है मैडम जिंदा रहने के लिए। बेटा वो तुम्हारी मैडम है, उनको पता है कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो तुम मांग रहे हो ना जिंदा रहने के लिए वो एकदम नहीं चाहिए। आज के जनरेशन का ई हाल है कि 7 क्लास पार करते करते उसका दिमाग खराब हो जा रहा है। आजकल 5-6-7 क्लास से लोग स्टार्ट हो जा रहे हैं। पहले बेंच में बैठी है मेरी है, दूसरी पे बैठी है तेरी है। आज बाल खोल के आई है गर्दा लग रही, काजल लगाई है गर्दा लग रही है। कुछ नोट्स लिखना है, कुछ लिखना है तो कॉपी उसी से मांगेंगे जाके। कॉपी लिखने के बाद घर आके 13 बार उसको छुएंगे और दद्दा 14 बार सूंघेंगे, बच्चे की नजरी में पहुंचाएंगे 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया। आजकल के लड़कियों कम नहीं है, उसको भी दिल से परफेक्ट खेलने आता है। एक बॉयफ्रेंड रखेंगे, एक बेस्ट फ्रेंड रखेंगे, एक गया तो एक बैकअप के साथ तैयार है। बर्थडे आएगा तो सबको बराबर 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 काटेंगे, कोई हेयरिंग देगा, कोई डेयरी मिल्क देगा, कोई ये देगा, कोई वो देगा। 10 दिन बात करेंगे फिर उसको छोड़ देंगे, ऐसे मुंह फेरेंगे, ऐसे फूलेंगे जैसे उसे कभी जानती ही ना हो। उसके बाद लड़का पे क्या बीतता है सोचियो कभी, सैड सैड स्टेटस डालेगा, 14 बार उसको देखेगा कि वो देखी कि नहीं, देखी कि नहीं। लड़का लोग मेरी बात को गांठ बांधो, या तो हाँ या तो ना, बीच वाला रास्ता नहीं चुनना है। स्टेपनी बन के नहीं जीना है, ना तो पढ़ाई लिखाई चल जाएगा, चल लेने मजदूर बन के गलियों में घूमते फिरोगे। लड़का लोग सुधर जाओ और मेरी बातों को याद रखना और ध्यान से सुनो। इतिहास गवाह है, पास्ट चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, इक्स और प्यार में बर्बाद सिर्फ और सिर्फ लड़के हुए हैं। लड़कियों को कोई ना कोई कामयाब लड़का मिल ही जाता है। यूपी बिहार की आती यह गाना को लाल बाबू गाए। जैसे लगे कि हो घर मोर जा रहा गइल बा, ई बिहार वाला आशिक पगला गइल बा। गाना बेस्ट है, अच्छा है, सुनने लायक है। जितना हम जाने हैं ना यूपी और बिहार के आशिक को ना,
ऐसा तो एकदम में नहीं होता। दिल टूटने पर ना दो चार दिन उदास चलेगा, रोलेगा, हाथ पैर गाल मुंह कभी नहीं काटने जाएगा, गोली नहीं चलाएगा, उन लड़कियों पे एसिड नहीं फेंकेगा, उसे बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेगा। एक बार बिहार का लड़का किसी से मुंह फेर लिया ना तो उसे पलट कर कभी नहीं देखेगा। बिहार के लड़कों को भी सोचना चाहिए, पहले अपने आप को देखो, अपना जिंदगी बनाओ, माँ बाप भाई बहन का बात सुना करो, बाप का पैसा लड़कियों पर आना बंद करो। जिस दिन ये लात मारेगी ना तुमको रोने का जगह कम पड़ जाएगा। तुम सक्सेस के पीछे भागो ना जी, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर तुम लड़की के पीछे भागते हो तुम्हें बर्बाद कर देगी, नामो निशा मिटा देगी तुम्हारा। एक गाना है अंकुश राजा के, अंधर पा प्यार कलयुग के, मरद के क्रिया सबे कोई खाला। अंधर प्यार बाटे कलयुग के साला, मरद के क्रिया तो सबके हु खाला। का अंकुश राजा मदे तू का गा देला, 100% सत्य है। आजकल औरत अपने मर्द की अपने पति की क्रिया कसम ऐसे खाती जैसे आइसक्रीम हो। पति के माथा पे हाथ रखे कसम खाती कि ना करेंगे, ना बतियाएंगे, ना करेंगे। फिर वही काम बकरी के टिंग टांग। किसी ने ठीक कहा है कि औरत का तिरिया चरित्र तो कोई नहीं समझ पाएगा। तलक लेके इसी तिरिया चरित्र के चलते हजारों घर आज बर्बाद हुए। इसी तिरिया चरित्र के चलते हजारों बेटा माँ से अलग हुआ है। इसी तिरिया चरित्र के चलते हिंदुस्तान जैसे ऋषि मुनियों के धरती पे आज वृद्धा आश्रम चल रहा है। ये गाना मैंने रितेश पांडे जेएनयू वाले को औकात बताया। ब्राह्मण हिंदुत्व की आत्मा है, प्रिय हिंदुत्व का शान, वैश्य हिंदुत्व का वैभव है, दलित हिंदुत्व का स्वाभिमान। जेएनयू वाले लिखते हो ना, ब्राह्मण बनिया हिंदुस्तान छोड़ो। अबे चूतियों, आंख के अंधे, जिसे हिंदुस्तान छोड़ना चाहिए वो शान से रह रहा है, जिसके दम पे हिंदुस्तान चल रहा है वो भारत छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। उसके बाद तुम्हारे चच्चा आएंगे हिंदुस्तान चलाने। टैक्स के पैसा से पढ़ते हो, 4 रुपया बढ़ जाता है तो तुम लोग का औकात पता चल जाता है। जेएनयू वाले इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, इतना तेज है ना कि दीवार पे हैशटैग चलाता है। अरे साला तुम लोग लिख लोहा पर पत्थर। ये जेएनयू वालों का क्या सीरियस लेने, ये लोग अनपढ़ों से ज्यादा अनपढ़ है। औकात में रह लो बेटा, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं कि बनिया ब्राह्मण का है हिंदुस्तान छोड़ेंगे। जब ना हाथे कराई लबिया वही से सदा। समय आने पे सब पता चल जाएगा कि कौन हिंदुस्तान में रहेगा, कौन हिंदुस्तान छोड़ के जाएगा। डफली वाला तुम्हारा बाप बना है ना, पप्पू के शरण में बैठा हुआ है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद।